हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे हाफ़ क्लच के बारे में कि हाफ़ क्लच क्या है और क्यों हाफ़ क्लच में कार को चलाई जाती है। और जो है हाफ़ क्लच को लेके बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हमें हाफ़ क्लच में कार कहाँ तक लेके आना है क्लच को कि कार हमारी बंद ना हो और बहुत ही इजी तरीके से हम कार को चला सकें। जो कि ये 80% चालकों का ये प्रॉब्लम है कि वो हाफ क्लच समझ नहीं पाते हैं और उनको ट्रैफिक में भी कार चलाने में प्रॉब्लम आती है। केवल इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि वो हाफ क्लच नहीं समझ पाते हैं कि हाफ क्लच उनको कब यूज करना है और किस गियर में यूज करना है और कहाँ तक हाफ क्लच होता है कि आप पैर को होल्ड रखें कि कार वहाँ पर बंद ना हो। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और 100% है कि आप लोगों को हाफ क्लच समझ में आ जाएगा बिल्कुल, और आपकी कार जो बंद हो रही है वो बंद होने वाली भी समस्या नहीं होगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप लोग देख रहे हैं ये है एक्सीलेटर पैडल और ये है ब्रेक पैडल और ये है क्लच पैडल। तो ये जो हाफ क्लच है, हाफ क्लच का यूज हमें तभी होता है जब हमारी कार की स्पीड कम है। जैसे कि आप क्लच को दबा लिए और कार को स्टार्ट किए। कार को स्टार्ट करने के बाद जब हम फर्स्ट गियर लगाते हैं तो फर्स्ट गियर लगाने के बाद हमें सिर्फ केवल कहाँ तक लेके आना है, हाफ पॉइंट तक। क्लच को केवल हाफ लेके आना है, केवल वहाँ तक लेके आना है जहाँ से कार हमारी हल्की सी मूव करती है, बस उसी पे आपको पैर को होल्ड रखना है। जब आप पैर को होल्ड रखेंगे तो कार आपकी बंद नहीं होगी, सिर्फ वहीं पे होल्ड रखना है। फिर जब कार में स्पीड आ जाती है तब हमें क्लच को पूरा छोड़ देना होता है। जो नए चालक होते हैं वो क्या करते हैं कि जहाँ से कार हल्की सी मूव की उसी पे क्लच को पूरा छोड़ देते हैं। जब आप क्लच पूरा छोड़ देंगे तो कार आपकी बंद हो जाएगी। जब हाफ क्लच की जो ड्राइविंग होती है वो आपको शुरुआत में ही करना है, वो भी फर्स्ट गियर में। जैसे ही फर्स्ट गियर आप लगा दिए तो क्लच को केवल हाफ तक ही ले आके होल्ड रखना है, उससे ऊपर नहीं लाना है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब बाकी जो है जब हम सेकंड गियर लगाते हैं, क्लच दबाए पूरा और यहाँ से सेकंड गियर लगा दिए, तो ये जब सेकंड गियर हुआ तो सेकंड गियर में भी आपको क्लच को होल्ड रखना है। जब हाफ तक लेके आए आप फिर यहाँ पे आपको होल्ड रखना है पैर को। और इसमें भी जो क्या करते हैं लोग, वो क्लच को पूरा छोड़ देते हैं। मतलब अगर आप सेकंड गियर लगा दिए हैं तो आपको 10 की स्पीड होने के बाद ही क्लच से पूरा पैर हटाना है, तो कार आपकी बंद नहीं होगी। और फिर जो है ये जो हाफ क्लच यूज होता है, जैसे आप सेकंड गियर में कार को चला रहे हैं और आपको कार को रुकना पड़ गया, रोकना चाह रहे हैं, तो आप क्लच को पहले नीचे पूरा दबाएंगे और ब्रेक लगा दिए। अब यहाँ पे कार आपकी रुक गई। अब अगर आप सेकंड में ही बढ़ाना चाह रहे हैं तो केवल क्लच को वहीं तक लेके आना है जहाँ से कार हल्की सी मूव करेगी। सिर्फ जहाँ से कार हल्की सी मूव की उसी पर आपको पैर होल्ड रखना है 3 सेकेंड तक। कार में ऑटोमेटिक स्पीड आएगी तो आपको क्लच को पूरा छोड़ देना है। तो हाफ क्लच केवल हमें तभी यूज करना होता है जब हम ट्रैफिक में चल रहे हैं। जैसे ट्रैफिक में आप चल रहे हैं तो क्लच को हाफ किए रहेंगे तो धीरे धीरे कार आपकी चलती रहेगी, और जहाँ से कार आपकी मूव करती है उतने ही क्लच पे आपको ब्रेक लगा लेना है, तो कार आपकी बंद नहीं होगी। और जैसे ही आपका क्लच ऊपर आया तो फिर आप ब्रेक से पैर हटा के एक्सीलेटर पर लेके जाइए, क्योंकि हाफ क्लच की जो ज़रूरत होती है वो सिर्फ हमें फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर में करना होता है। और यही लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमको कब पूरा क्लच दबाना है और कब हाफ क्लच रखना है। अब जैसे अगर आप हाफ क्लच में चला रहे हैं और कोई आ गया तो आपको वहाँ पे पूरा क्लच दबा लेना है, और जब फिर आप पूरा क्लच दबा लिए तो वहाँ से बढ़ने के लिए केवल हाफ तक लेके आना है। हाफ तक, हाफ बाइटिंग पॉइंट क्या है, जहाँ से कार हमारी हल्की सी मूव की बस उसी पे पैर को होल्ड रखना है। बस जब कुछ दूर तक आपकी कार बढ़ जाए तब आप पूरा छोड़ दीजिए, नहीं बंद होगी कार। नए चालक क्या करते हैं, वो हल्की सी कार बढ़ी तो पूरा छोड़ देते हैं क्लच को, तो इसलिए कार उनकी बंद हो जाती है। तो ये गलती आप लोग ना करें। आप लोग सिर्फ ये ध्यान दें कि जहाँ से कार हल्की सी मूव कर रही है बस उसी पे आपको होल्ड रखना है पैर। अगर थोड़ा सा जल्दी बढ़ाना है तो हल्का से एक्सीलेटर उसी पे ले लीजिए और क्लच को हल्का लेके आइए और कार आगे बढ़ जाएगी। अगर उतने क्लच पे आप एक्सीलेटर भी दबाते हैं तो भी कार कहीं नहीं बढ़ेगी जब तक आपका क्लच हाफ से ऊपर नहीं आएगा। अगर हाफ पे है क्लच तो उसमें आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो सिर्फ कार आवाज़ करेगी, तो थोड़ा सा ऊपर लाके आगे बढ़ा लीजिए। और ये जो हाफ क्लच है केवल फर्स्ट और सेकंड गियर में ही यूज होता है, और बाकी थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में आपको पूरा क्लच ऊपर छोड़ देना है। तो हाफ क्लच
वो भी हाफ क्लच में तब कार चलानी होती है जब आपकी स्पीड 10 से नीचे आ गई। अगर 15 है 10 है तो आप पूरा क्लच छोड़ के कार को चला सकते हैं, और अगर 10 से नीचे आई तो आपको क्लच हाफ कर लेना है। जब हाफ कर लेंगे तो कार आपकी स्लो चलेगी, और जब रोकना है तो पूरा क्लच दबाना है, ब्रेक पे पैर रखना है। जब फिर वहाँ से बढ़ाना चाह रहे हैं आप तो सिर्फ केवल आपको हाफ तक क्लच रखना है। जब पूरी कार रुक गई है तो आपको वहाँ पे वन गियर लगा देना है और हाफ तक क्लच लेके आना है, कार आपकी बन रही होगी। फिर जैसे ही थोड़ी स्पीड हुई तो क्लच दबाना है, फिर सेकंड गियर लगा देना है। तो ये हाफ क्लच जो है केवल फर्स्ट और सेकंड गियर में यूज होता है, इसलिए यूज होता है कि कार हमारी स्लो चले। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया या कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।